ही। उनकी बॉल को पकड़ो मिस्टर कैट, चलो बॉल को पकड़ो। उनके बॉल को पकड़ो मिस्टर कैट, चले जल्दी से इसे पकड़ो। बिली, उनका बॉल कहीं और जाकर खेलो, हम यहाँ पहले आए थे। मिस्टर कैट और मैं कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। चलो मिस्टर कैट, उनके बॉल को पकड़ो। क्या बात है मिस्टर कैट, तुमने आखिर सून के बॉल को दिखाई दिया कि यहाँ का बॉस कौन है। और बर्टन बर्गर अब गोल करने वाला है। हम आ रहे हैं, पीछे जाओ। मेरी ये मैच का तीसरा दौर है, हमारे स्कोर्स बराबरी के, और ये मेरा हैट्रिक शॉट है। तुमने तो कोई हैट नहीं पहनी कूप। क्या तुम कोई ऐसा ग्रह जानते हो जहाँ बहन और बिल्ला नहीं होता? अगर ऐसी कोई जगह है तो मैं वहाँ सबसे पहले जाऊँगा। पंछियों की जिंदगी कितनी अच्छी है, वो आसमान में उड़ सकते हैं और उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, सिवाय चमगादड़ के। चमगादड़ और बड़े बड़े रोबोट के। ए सुनो दोस्त, हमें अपने लिए पेड़ पर घर बनाना चाहिए। मिली, मिस्टर कैट और मैं तितलियों को पकड़ रहे हैं। अच्छी कोशिश थी मिस्टर कैट, कोई बात नहीं अगली बार। सुनो वो वाला घर अब हमें जल्दी से बनाना होगा। ये अब तक का सबसे अच्छा पेड़ वाला घर होगा कूप। सिर्फ घर नहीं, सपनों का महल होगा डेनिस, सच में। मैं भी ड्रॉ करूंगी। भागो मिली, हम जरा बिजी हैं। कूप, ये तरीका नहीं अपनी बहन से बात करने का। अरे अच्छा तो तुम लोग ट्री हाउस बना रहे हो। हाँ अच्छा है ना, यहाँ पे खेलने के लिए वीडियो गेम होगा, झूलने के लिए झूला होगा और नहाने के लिए स्विमिंग पूल होगा। ये क्या है? ये टी पार्टीज के लिए एक बालकनी है। हमारे घर में कोई बकवास टी पार्टी नहीं होने वाली, असल में वहाँ एक बोलिंग एली होगी। क्या कोई मदद चाहिए? जब मैं छोटा था तो मैंने ऐसे कई ट्री हाउस बनाए थे। माफ कीजिए पर डेनिस और मैं ये खुद ही करना चाहते हैं, डैड नहीं, बहन नहीं और कैट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तुम्हारे ट्री हाउस की किसे परवाह है मिस्टर कैट, चलो खेलते हैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल। चलो डेनिस इसे बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ ढूंढते हैं। हाँ झाड़ियों को तोड़ते हैं। ये हुई ना बात। अरे रुको 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 बच्चो, झाड़ियों को मत तोड़ना। डेनिस ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों, ये तो हमारे प्लान में है ना, देखो। मिली! पर मेरी गुड़िया रानी तो इसमें रहने के लिए तैयार है। यह 50 फीट ऊंचा खूबसूरत और तकनीकी सुरक्षा वाला ट्री हाउस, चलो रेस लगाते हैं और देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। वाह बहुत बढ़िया बच्चों, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। पर इसमें वीडियो गेम कहाँ है और झूला और स्विमिंग पूल कहाँ है? वो सारी चीजें हमारे प्लान नंबर 2 में शामिल है। और तुम्हारी बोलिंग आली कहाँ गई? तुमने तो कहा था तुम्हारी बोलिंग आली भी बनेगी, बताओ बताओ कहाँ है? देखो ये रहा हमारा कमाल। शानदार। मेरी बारी। सोचना भी मत, हमारे घर में बिल्ली और मिली दोनों को आना मना है, समझ गई? मान भी जाओ कूप, अपनी बहन को अपनी बनाई हुई चीजें दिखाओ। ठीक है पर जल्दी से, और यहाँ पर किसी चीज को छूना मत, तुम किसी भी मुसीबत में फंस सकती हो। गया मिली, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, चलो भागो यहाँ से। चलो मिस्टर कैट, हमें इनके बेकार के घर की जरूरत नहीं है।
हाँ, मैं इस किताब को 6 बार पढ़ चुका हूँ और हमेशा इसका अंत एक जैसा होता है। डेनिस, तुम एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हो, तुमने ये कॉमिक 6 बार अपने खुद के ट्री हाउस में पढ़ी थी। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। आइसक्रीम वाला, मैं अभी आवाज सुन सकता हूँ, वो कहाँ है? कोई आइसक्रीम वाले की नकल करने का ऐसा शैतानी ख्याल दिमाग में ला भी कैसे सकता है? शैतान बिल्ला, हमारा ट्री हाउस हम अपना ट्री हाउस वापस हासिल करके रहेंगे, फिर चाहे वो हमें तोड़ना ही क्यों ना पड़े। तुम उसे देख सकते हो? वहाँ, वहाँ पर है वो शैतान बिल्ला। क्या ये करना ठीक होगा कूप? तुम्हें पक्का पता है वो बिल्ला ही है? उसे हमारे राज के बारे में पता चल ही नहीं सकता, वैसे भी उसके लिए ये एक सरप्राइज होगा। चलो शुरू हो जाओ हमला। इस बिल्ले को कैसे पता कि हमारे ट्री हाउस में हवाई जहाज को तोड़ने की सुविधा है? इसके पास हमारा प्लान है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमारी चाल हम पर ही आजमाए? बदमाश कहीं का। हमने वो यही कहीं डाले थे। देखा हमारा खुफिया हथियार, अब आगे। खुफिया स्प्रिंग, दुश्मन को मजा चखाने वाली तरकीबी वायर। तुम कितना नीचे से जा सकते हो? नीचे से क्यों जाना अगर तुम कूद कर जा सकते हो? सही कह रहे हो कूप। क्या यहाँ बर्फ गिर रही है? हमारी कॉमिक बुक, इसे रोकना होगा अभी। पहले कि वो यहाँ पर आ जाए, हमारे पास अपने ट्री हाउस पर वापस जाने के लिए 1 मिनट है। अच्छा तो ये बात है, हमला। शैतानी बिल्लों से संपर्क कर रहे हो? हाँ, मेरे होते हुए बिल्कुल नहीं। दूसरे ग्रह के बिल्लों से बात करने वाली मशीन बना रहा था। ये ट्री यहाँ क्या कर रही है? इसे तो मैं कब से किचन में ढूंढ रहा था। कैट इससे दूसरे शैतानी बिल्लों को बुलाने के लिए कोशिश कर रहा था और वो
कूप, क्या तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिला खुद को बचाने के लिए? और हाँ, ट्री हाउस बनाने के लिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। डैड कहते हैं कि हमें ट्री हाउस में अपनी अपनी बारी लेनी चाहिए, पर अगर तुम लोग चाहो तो हमारी टी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हो। हम दूसरा ट्री हाउस बनाएंगे जो इससे भी बड़ा और अच्छा होगा और जिसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। पर उससे पहले थोड़ी पेट पूजा क्यों ना हो जाए। आइसक्रीम वाला। ग्रीनी गर्ल कुकीज। ग्रीनी गर्ल कुकीज, ये तो दुनिया की सबसे लजीज कुकीज होती है। पर सिर्फ एक खाने से मन नहीं भरता। माफ करना। हाय कूप, तुम कितनी कुकीज के डिब्बे मंगवाना चाहोगे? ग्रीनी गर्ल कुकीज। तुम्हें इसलिए पैसे देने होंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर के ऑर्डर्स मुझसे चोरी करो। मेरे घर से अभी निकलो मिस ऑर्डर चोर। मेरा नाम फीबी है। क्या तुम ग्रीनी गर्ल के नियम भूल गई हो? हमेशा कुकीज बेचती रहो, और इसलिए इस साल सबसे ज्यादा कुकीज मैं बेचूंगी और तुम मुझसे बहुत पीछे रहोगी। फीबी, कोई मेरी बहन से इस तरह से बात नहीं कर सकता, और खासकर तब जबकि वो मुझे एक के दाम में तीन कुकीज दे रही हो, है ना मिली? क्या? ओके फीबी, तो क्या बता सकती हो कि ग्रीनी गर्ल कुकीज के क्या फ्लेवर्स हैं? वैसे अच्छा, ठीक है, बढ़िया। माफ करना फीबी, मुझे लगता है कि मिली तुमसे ज्यादा अच्छी सेल्स गर्ल है, इसलिए ये वाली प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहोगी? हाँ जरूर लगाऊंगी। अगर मैं जीती तो तुम मुझे क्या दोगी? अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें मेरे लिटिल मिस बूट्सवेल प्रिंसेस टियारा दूंगी, और अगर तुम जीती तो तब मैं थोड़ा सा समय तुम्हारे भाई कूप के साथ बिताना चाहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक हफ्ते तक रहोगी तो ही मैं शर्त लगाऊंगी। मिली, तुम अपनी फालतू शर्त में मुझे मत घसीटो। मैं तुम्हें एक के बदले चार कुकीज दूंगी। ठीक है। ये कूप उस शर्त के लिए मान गया। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी कूप। पर मैं वो फंस गया। फिक्र मत करो, मैं इतनी क्यूट हूँ कि कुकीज के ऑर्डर्स बहुत सारे आएंगे। ठीक है डैड, मुझे मिली को सबसे अच्छी कुकी सेलर बनने में मदद करनी होगी। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कूप। अब मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई है। हमें लोगों का दिल जीतना होगा। पर कैसे डैड? क्यों ना हम किसी को कुकी बनाकर लोगों के बीच लेके जाए? मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था। हाँ, तुम कितनी क्यूट लग रहे हो। हाँ, अब तो जीत हमारी ही होगी। या, ये तो एक नेक काम के लिए है कुकी। वैसे मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी, वो देखो। चलो अब थोड़ी कुकीज बेचें। बहुत मजा आएगा मिस्टर कैट, चलो जाकर थोड़ी कुकीज बेचें। नहीं मनसन आंटी नहीं, वो मेरी यानी कैप्टन कुकी की दुश्मन है। फिक्र मत करो, मनसन आंटी हमेशा मुझसे ही कुकीज खरीदती हैं। चले जाओ, कौन हो, सब क्यों कर रहे हो? ओह हेलो मिली। मनसन आंटी, क्या आप मुझसे बहुत सारी ग्रीनी गर्ल कुकीज खरीदना चाहेंगी? माफ करना मिली, मैं थोड़े पैसे ग्राउलर के नए फ्ली कॉलर के लिए बचा रही हूँ। इसने ये कॉलर 6 साल से पहना हुआ है। इसके नए रूप को तो देखिए। नहीं कूप के नहीं, मिस्टर कैट के। ओह कितना प्यारा है, मेरा एक बॉक्स लिख लो, ग्राउलर का फ्ली कॉलर बाद में खरीद लूंगी। ये तो बहुत ही आसान था। ग्रीनी गर्ल कुकी, क्या घर में कोई बड़ा है? हाय कूप। लॉन, हाली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक खास शॉट ले रहे हैं, एक बुकी का जो आधा बॉय है और आधा कुकी है, ना ये अजीबोगरीब किस्सा? और इसे हम छापेंगे पागल कूप के कलेक्टर कार्ड्स पर। क्या? मुझे ये दिखाओ। भूतिया बिल्ला बच्चा, समझ गया। हारा हुआ खिलाड़ी, समझ गया। मिस्टर बिल्लू का साथी, ये मुझे दो ना। मैं इसके बदले में तुम्हें चॉकलेट दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये वाला घर मेरे इलाके में पड़ता है। बिल्कुल नहीं, नुक्कड़ वाले घर तो किसी के भी हो सकते हैं। मैं बेचने में तुमसे बहुत आगे हूँ, इसलिए ये तुम ले सकती हो। मैं ये शर्त फिर भी जीतूंगी और कुक के साथ वक्त बिता।
उतरो छोटी बच्ची, मैं तुमसे थोड़े कुकीज ऑर्डर करता हूँ। थैंक यू मिली, ये तो सबसे बढ़िया तरीका है। शानदार, हम ये जीत सकते हैं। शर्त अभी भी जारी है। प्रतियोगिता जीत के ही रहूंगी डैडी, उस फीबी को तो मैं मजा चखाऊंगी। देखा एक साथ काम करना कितना अच्छा होता है। एक साथ, बिल्कुल सही कहा। ओह, ये तो काफी भारी कुकी बॉक्सेस है। ये लीजिए डैडी, आपको सबसे पहले बॉक्स मिलता है। शुक्रिया मिली, अब इसे छोड़ो भी। नहीं छोड़ सकती, ये बहुत ही अच्छी है। चला गया। हाँ, पता नहीं था कि एक ग्रीनी गर्ल को भी ये कुकीज इतनी पसंद होगी। प्लीज डैड, क्या मैं एक कुकी ले सकता हूँ? ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। कूप, तुम्हें पता है ना कि सिर्फ एक कुकी काफी नहीं होती है। मैं ये बॉक्स तभी खोलूंगा जब तुम ये सारे बॉक्स कल मिली के साथ डिलीवर कर दोगे, और फिर ये तुम्हारा इनाम होगा। तुमने मिली की सारी ग्रीनी गर्ल कुकीज खा ली? मैंने इस कैट ने खाई है। तुम्हारे चेहरे पर लगी कुकीज के टुकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। कैसे टुकड़े, मैंने तो अब तक एक कुकी भी नहीं खाई है। ओह, ये तो ग्रीनी गर्ल कुकी है, वाओ। जब तक तुम कुकीज के पैसे नहीं चुकाते, तुम्हारा जेब खर्च बंद। जब तक मैं पैसे चुकाऊंगा, तब तक तो शायद मैं 65 का हो जाऊंगा। अगर आप थोड़े पैसे बढ़ाए तो काम बन जाएगा। हाँ, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है कूप? आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। अगर मैं ये कुकीज नहीं पहुँचा पाई तो मैं ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाऊंगी, और फिर फीबी मुझे हमेशा चिढ़ाएगी। मत रो बेटी, हम इसका हल जरूर निकाल लेंगे। चलो। मुझे कुछ भी करके अपना जेब खर्च वापस पाना ही होगा। ब्लैक रेंजर में व्हाइट रेंजर बात कर रहा हूँ, जल्द से जल्द मुझे आकर मिलो। आखिर बात क्या है कूप? तुम और मैं कैट फिशिंग पर जा रहे हैं। मिली के शैतान बिल्ले ने सारी कुकीज खा ली और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। उसने मिली को धोखा दिया, पर क्यों? मुझे फंसाने के लिए दोस्त। अगर मिली वो शर्त हार गई तो मुझे फीबी के साथ बाहर जाना होगा। ओ, उस बिल्ले ने तो इस बार सारी हदें पार कर दी। इसीलिए हम उसके लिए जाल बिछाएंगे और उसे कुकी खाते हुए पकड़ लेंगे। पर तुमने तो कहा कि उसने सारी कुकीज खा ली। शायद नहीं। बढ़िया, जैसा मैंने सोचा था। और देखो, अब हम कोशिश करेंगे कि हम ये कुकीज ना खाए। अब मैं इस कुकी बॉक्स को ऐसी जगह छुपाता हूँ जहाँ वो कैट इसे ढूंढ ना पाए। बस इतनी ख्वाहिश करता हूँ कि वो इसे भी ना खा जाए और इसका इल्जाम मुझ पर ना लगा दे। ब्लैक रेंजर, तुम्हारी क्या खबर है? व्हाइट रेंजर, दुश्मन अभी कूलर के पास है। मैं फिर से दोहराता हूँ, दुश्मन अभी कूलर के पास है। हाँ, मैं खुद देख सकता हूँ। तुम मुझे ऐसे डराया मत करो प्लीज। चले जाओ बिल्ले। क्या उसने हमें देखा? चेक करता हूँ। वो चला गया। प्लान बर्बाद करने के लिए शुक्रिया डेनिस। मैंने बर्बाद किया? तुमने जोर से कहा था। क्या हो रहा है यहाँ? मिली, तुमने वो कुकीज खाई थी? मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, वो है ही इतनी स्वादिष्ट। वो मैं नहीं था, और अब की बार तो वो तुम भी नहीं थे। पर ज्यादा खुशी की बात ये है कि वो मैं नहीं था। मुझे माफ कर देना कूप, मैंने तुम पर इल्जाम लगाया। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है मिली, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मेरी दुनिया में स्वागत है। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। इतनी कुकीज खाने की सिर्फ इतनी छोटी सजा? ये तो एक छोटी सी लड़की है, और वो कुकीज तो है इतनी टेस्टी, पर इस पर इल्जाम लगाने के लिए तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। मिली, जो भी इन्होंने कहा बस काफी है। बढ़िया। मैंने सुना है कि मिली ने सबसे ज्यादा कुकीज बेची हैं, तो मैं उसे अपने लिटिल मिस बूट्सविल टियारा देने आई हूँ। शुक्रिया, फिर मिलेंगे।
फीबी रुको, तुमने सारी कुकीज खा ली? पर मेरे डैड उसके लिए पैसे देंगे। चलो कुछ समय साथ में बताएं। माफ करना फीबी, पर कूप घर से बाहर नहीं जा सकता। पर समझ गया, हाँ मैं बहुत ही गंदा लड़का हूँ वाकई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं हनी फ्लफ, मैं कुछ समय मिली और मिस्टर कैट के साथ बताऊंगी। क्या मैं तुम्हारा टियारा पहन सकती हूँ? अब इतनी भी खुश मत होना। मैंने कुकीज का एक बॉक्स बचाया है, कोई खाना चाहेगा?